1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 165वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को हापुड़ में महारक्तदान शिविर का आयोजन राष्ट्रीय सैनिक संस्था जनपद हापुड़ की शाखा द्वारा किया गया। शिविर में 165 लोगों के रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था जनपद इकाई हापुड़ के तत्वाधान में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो आज़ादी की शुरुआत हुई थी 1857 में, उसको आज पूरे 165 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो उनकी उसमें याद में जो है, जो हमारे शहीद हुए थे, वीर बलिदानी थे, तो हमने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और हमारा जो लक्ष्य है वो 165 ही यूनिट का लक्ष्य है कि उसमें 165 रक्तदाता रक्तदान करें। रक्तदान शिविर का उद्घाटन राष्ट्रीय सैनिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल सिंह और विद्वान आचार्य प्रमोद किशम ने फीता काट कर किया और अतिथियों ने लोगों से बड़ी संख्या में रक्तदान करने का आह्वान किया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी और हापुड़ के कई लोग उपस्थित रहे। शिविर में पहुंचे नौजवानों, युवतियों और एनसीसी के कैडेट्स ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया और आयोजकों ने विश्वास व्यक्त किया रक्तदान का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, सब लोगों को रक्तदान करना चाहिए। जैसे आज मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसी सब लोगों को बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। लाइफ में एक बहुत अच्छा मुझे मौका मिला है अपना ब्लड डोनेट करने का। थैंक यू।